अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 12 रबी लवल की मुनासबत से ना जगह जगह पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और अच्छी बात है। आप ये देख रहे हैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी कोई एक प्रोग्राम हुआ है। तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान से भी बढ़ के अजीम है, उनके लिए हमारी जान भी कुर्बान। लेकिन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं क्या उनके ऊपर हम अमल कर रहे हैं, या जो लोग जो ये जश्न के ऊपर पैसे खर्च करते हैं अरबों रुपया लगता है, तो आप थोड़ा सा सोचिएगा कि कोई एक ऐसी सुन्नत है जिसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं। मैंने इंशाल्लाह तैयार किया कि इस 12 रबी लवल को दरख्त भी लगाने हैं, सफाई भी करनी है और एक मैसेज देना है अपने जो मुसलमान जितने भी हैं दुनिया के, कि सिर्फ नारों से या एक दिन बनाने से हम मुसलमान नहीं होते, हमने थ्रू आउट 12 महीने हमने मुसलमान रहना होता है। अभी इधर जो ये छोटा सा कोई प्रोग्राम हुआ है तो आप आगे पीछे देखें तो गंद ही गंद फैला के लोग चले गए। तो जहाँ जहाँ पे भी ऐसी महफिलें मुनक्कद होती हैं तो प्लीज़ लोगों को ये भी एजुकेट करें कि जो माहौल है, दरख्त है, पानी है, ये चीज़ें भी बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और सदका जारिया के ये छोटे छोटे काम हैं और अपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हैं और ये सारी सुनते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो प्लीज़ इन चीज़ों को नहीं भूलना। मैं एक और चीज़, ये जो बैनर्स और जो बाकी आप चीज़ें देख रहे हैं इन पे भी अरबों रुपया लगता है इस एक दिन के ऊपर। तो यही अगर पैसे माहौल को बचाने के लिए, दरख्त लगाने के लिए या कोई और काम करने के लिए लग जाए तो आपका क्या ख्याल है? बहरहाल एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अल्लाह हाफिज़।